80 और 90 के दशक का वो शानदार अभिनेता जो अपनी आंखों से ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया करता था। क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत, देखना ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल। तो और ऐसा लाजवाब कॉमेडियन जिसके हर कॉमेडी सीन पर लोग पेट पकड़ कर हंसा करते थे। मैं गिर जाता, मेरा सर फट जाता, तूने मुझे छुआ क्यों? मादर भगत, कुत्ता, कमीना, भाग यहाँ से। वो अभिनेता जिसने अपनी शानदार एक्टिंग के कारण ही अपनी पहली ही फिल्म में अमरीश पुरी और ओम पुरी जैसे दिग्गज एक्टर्स के होते हुए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया था। निशान छोड़ जाता है। क्या मानेंगे कि उन्होंने एक फिल्म में विलेन का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि फिल्म फेयर ने भी इस फिल्म के बाद अपने अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्टर इन विलेनियस रोल को भी शुमार किया, और यह पहला अवार्ड भी उन्होंने ही अपने नाम किया था। नाग हूँ मैं, नाग सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो, फिर ये देश क्या चीज है। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपनी बेहतरीन एक्टिंग और अपने सामाजिक कार्यों के लिए मशहूर इस अभिनेता को इन्हीं के पड़ोसियों ने बुरी तरह से पीट दिया था? तो कौन थे ये मशहूर अभिनेता जिन्होंने अपने पिता के समझाने, मनाने और पीटने के बावजूद एक्टिंग नहीं छोड़ी और 3 दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया? और क्यों इनकी मौत के बाद इनके अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड से कोई भी नहीं आया? बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की, जिन्होंने अपने 3 दशक के फिल्मी करियर में करीब 300 से भी ज्यादा फिल्मों में विलेन, कॉमेडियन और सपोर्टिंग रोल के किरदार निभाए। इनमें एक किरदार महारानी का भी जुड़ा हुआ है, जिस किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर निभाकर उन्होंने अमर कर दिया था। उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ घटनाओं की चर्चा करें, उससे पहले चलिए जानते हैं कौन थे सदाशिव और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर के बिल्कुल पास में मौजूद अमरापुर गांव में एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पैदा होने के बाद उनके माता पिता ने इनका नाम गणेश कुमार नरवड़े रख दिया था, और उनके घर के लोग और उनके दोस्त उन्हें प्यार से तात्या कहकर पुकारते थे। अब गणेश कुमार और तात्या से ये सदाशिव अमरापुरकर कैसे बने, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। स्कूल के दिनों में सदाशिव को क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। क्रिकेट से उन्हें इतना ज्यादा लगाव था कि बचपन से ही वे क्रिकेटर बनने के ख्वाब देखने लगे थे। हालांकि वो स्कूल में होने वाले नाटकों में भी भाग लिया करते थे। स्कूल के बाद जब उन्होंने अहमदनगर कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ के स्पोर्ट्स टीचर इस बात से खुश थे कि उनके कॉलेज में एक ऐसे लड़के ने एडमिशन लिया है जो क्रिकेट का एक बेहतरीन खिलाड़ी है। अहमदनगर कॉलेज में हर साल एक नाटक कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जाता था, तो एक बार सदाशिव ने भी उसमें भाग लिया। उस वक्त कॉलेज में होने वाले उन नाटकों में स्टूडेंट्स को ही नाटक लिखना पड़ता था और उन्हें ही डायरेक्ट करना पड़ता था। कॉलेज के उस नाटक में सदाशिव ने कातिल का किरदार निभाया था, और उन्होंने इस किरदार को इतना जबरदस्त निभाया कि उन्हें इस किरदार के लिए अवार्ड भी मिल गया था। बस यहीं से गणेश कुमार उर्फ सदाशिव की जिंदगी बदल गई। पहले ही नाटक से अवार्ड मिलने सदाशिव को नाटकों में इंटरेस्ट आने लगा और उनका ध्यान क्रिकेट से ज्यादा थिएटर में लगने लग गया था। कॉलेज में उन्होंने ढेरों नाटकों में काम किया। अहमदनगर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करने के बाद भी उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां से एमए इन हिस्ट्री एंड एमए इन सोशियोलॉजी में डिग्री भी हासिल की, और साथ ही में वो थिएटर में भी एक्टिव रहे। सदाशिव न केवल नाटकों में एक्टिंग करते बल्कि वो डायरेक्शन भी किया करते थे। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव कर दिया और साथ ही अपने गाँव के नाम अमरापुर को अमरापुरकर करके अपने नाम के साथ जोड़ दिया, और इस तरह गणेश कुमार बनकर सदाशिव अमरापुरकर। साल 1973 में उनके घर वालों ने उनकी शादी सुनंदा नाम की एक लड़की से करवा ली, जो कि उस दौरान LIC में काम किया करती थी और जिनसे वो एक बेटी के पिता भी बने थे। सदाशिव को थिएटर से इतना ज्यादा लगाव था कि शादी के बाद भी इनके थिएटर के प्रति दीवानगी खत्म नहीं हुई। उन्हें अब तक ये एहसास हो चुका था कि वो सिर्फ थिएटर के लिए ही बने हैं। हालांकि उनके घर वाले और खास तौर पर उनके पिताजी थिएटर को लेकर उनके जुनून से काफी ज्यादा परेशान थे। उन्हें फिक्र थी कि उनका बेटा शादीशुदा होने के बावजूद और एक बेटी का पिता होने के बावजूद भी काम धंधे की कोई परवाह नहीं करता है। उनके पिता ने उन्हें खूब समझाया, डांटा, धमकाया, लेकिन जब इनसे बात नहीं बनी तो उनके पिता ने एक दिन उनको कमरे में बंद कर दिया। लेकिन सदाशिव ने अपने पिता से साफ साफ कह दिया था कि थिएटर उनके साथ है और थिएटर के अलावा वो कुछ और करने की सोच भी नहीं सकते, और साथ ही में वो किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं है। आखिरकार सदाशिव की जिद के आगे उनके पिता को हार माननी पड़ी और उन्हें थिएटर में काम करने की इजाजत मिल गई। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि उनकी पत्नी LIC में काम करती थी, तो उन्हें घर चलाने की कोई टेंशन तो थी नहीं, इसीलिए उन्होंने थिएटर की तरफ अपने कदम बढ़ाए और दिन रात वो उसी में लग गए। अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे महाराष्ट्र के थिएटर जगत में उनका नाम होने लगा। उन्होंने महाराष्ट्र थिएटर प्रतियोगिता में भी कई अवार्ड हासिल किए, जिससे उन्हें ख्याति मिली।
उनके पास प्रोफेशनल थिएटर के ऑफर भी आने लगे थे और इस तरह थिएटर का हिस्सा बनने के लिए सदाशिव मुंबई आ गए। प्रोफेशनल थिएटर से होने वाली कमाई से मुंबई में आराम से अपना घर खर्च उठाने लगे। इसी दौरान मुंबई में वो महान नाटककार विजय तेंदुलकर के नाटक कन्यादान में भी काम करने लगे थे। अपनी एक्टिंग स्किल से तो वो विजय तेंदुलकर का पहले ही दिल जीत चुके थे। एक दिन विजय तेंदुलकर ने कहा कि मैंने अर्ध सत्य नाम से एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें किरदार है जिसको मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। सदाशिव ने कहा कि मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। इस तरह साल 1983 में आई फिल्म अर्ध सत्य से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। अर्ध सत्य में उनके किरदार का नाम रामा शेट्टी था। रामा शेट्टी का वो छोटा सा किरदार उन्होंने इतना बखूबी निभाया कि बाद में यह बहुत ज्यादा लोकप्रिय साबित हुआ और उन्हें इस किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के खिताब से भी नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सदाशिव के पास ऑफर्स की जड़ी लग गई और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सदाशिव को बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर भी आने लग गए थे और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनको अपनी फिल्मों में साइन करना चाहते थे। सदाशिव ने कुछ ही सालों में एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन किरदार निभाए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। इन्हीं में से एक साल 1986 में आई फिल्म आखिरी रास्ता में निभाए गए मिनिस्टर चतुर्वेदी के किरदार को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। इसी तरह साल 1987 में इन्होंने एक्टर धर्मेंद्र स्टारर फिल्म हुकूमत में मुख्य विलेन का किरदार निभाया था। यह उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यहाँ तक कि कमाई की दौड़ में इस फिल्म ने मिस्टर इंडिया को भी पछाड़ दिया था। सदाशिव अमरापुरकर एक्टर धर्मेंद्र की फिल्म हुकूमत के बाद से ज्यादातर विलेन के किरदार में ही नजर आने लगे। फिल्म मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, कालचक्र, ईश्वर, एलाने जंग, फरिश्ते, वीरू दादा और बेगुनाह में विलेन के ही अवतार में सदाशिव दिखे। सदाशिव ने अपने फिल्मी करियर में लगभग सभी सुपरस्टार के साथ काम किया। इनमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, आमिर खान और संजय दत्त तक शामिल है। धर्मेंद्र को सदाशिव का अंदाज इतना ज्यादा पसंद आया था कि वो उनके पसंदीदा विलेन बन गए थे। उन दिनों धर्मेंद्र अपनी गिरते करियर को संवारने में लगे थे। धर्मेंद्र को लगता था कि सदाशिव उनके लिए लकी चार्म है। उन्होंने प्रोड्यूसरों से कह रखा था कि उनकी हर फिल्म में सदाशिव को ही लिया जाए। एक बार धर्मेंद्र की गुजारिश पर भी एक फिल्म में सदाशिव ने काम नहीं किया और बाद में वो फिल्म फ्लॉप साबित हुई। उस दिन धर्मेंद्र ने सदाशिव को फोन करके कहा कि आप मेरी फिल्मों के लिए प्लीज टाइम निकाल लिया करो। सदाशिव को धर्मेंद्र की बात दिल पर लग गई। इसके बाद से उन्होंने धर्मेंद्र की फिल्म में काम करते समय कभी यह नहीं पूछा कि फिल्म में उनका रोल क्या है। जानकार बताते हैं कि धर्मेंद्र उन्हें अपने लिए लकी चार मानने लगे थे। यही कारण है कि सदाशिव अमरापुरकर उनके साथ दो चार नहीं बल्कि पूरी 11 फिल्मों में साथ नजर आए थे। सदाशिव ने अपने करियर में 300 से भी ज्यादा छोटी बड़ी हिंदी, मराठी और अन्य कई भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया। इनके निभाए हुए किरदार बेहद चर्चित हुए। साल 1991 में महेश भट्ट की फिल्म सड़क में इन्होंने एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया था जिसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। सदाशिव ने यह किरदार इतने सशक्त अंदाज में निभाया था कि फिल्म फेयर ने भी इस फिल्म के बाद अपने अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्टर इन विलेनियस रोल को भी शुमार किया और यह पहला अवार्ड भी सदाशिव अमरापुरकर को ही दिया गया था। जहां डेरो फिल्मों में इन्होंने बहुत खतरनाक डरावने विलेन के रोल निभाए थे, वहीं कई फिल्मों में इन्होंने अपने जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से अपने चाहने वालों को खूब हंसाया था। इनमें से प्रमुख फिल्में रही है हम है कमाल के, कुली नंबर वन, आंखें, इश्क और हम साथ साथ हैं। फिल्मों के साथ साथ सदाशिव ने टीवी पर भी कुछ बेहद दमदार किरदार निभाए थे। इन्हीं में से एक 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित राज से स्वराज तक में उन्होंने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया था। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया से प्रेरित श्याम बेनेगल की सीरीज भारत एक खोज में उन्होंने महात्मा फुले का किरदार निभाया था। सदाशिव न सिर्फ एक अच्छे अभिनेता थे बल्कि एक भावी समाज सेवी भी थे। उन्होंने मशहूर अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू के साथ मिलकर समाज सेवा के कई शानदार काम किए थे। अपने समाज सेवा के काम के लिए अपने जान पहचान के लोगों से वो फंड जुटाते और उसे वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दिया करते थे। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सदाशिव बखूबी समझते थे। लेकिन एक बार इसी समाज के कुछ लोगों ने उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जिसे जानकर हर कोई दुखी हो गया। दरअसल साल 2013 के दौरान महाराष्ट्र के कई इलाकों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था और हर कोई पानी की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान था। स्थानीय प्रशासन और पुलिस लोगों से अपील कर रही थी कि पानी की बर्बादी ना करें। इसी दौरान होली के मौके पर सदाशिव अमरापुरकर के घर की पास वाली सोसाइटी में कुछ नौजवान लड़के लड़कियां होली के नाम पर पानी की बर्बादी करने में मशगूल थे। उन लोगों को पानी बर्बाद करते हुए देख उन्होंने देखा तो वहां पर वो उन्हें समझाने के लिए चले गए। लेकिन नशे में धुत कुछ लड़कों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यहां तक कि उन लोगों ने इनके साथ हाथापाई की और इनकी पिटाई भी कर डाली। हालांकि बाद में पुलिस ने आकर बीच बचाव किया था। खैर, अपने लंबे चौड़े फिल्मी करियर के बाद सदाशिव की जिंदगी में ऐसा वक्त भी आया जब उनकी तबीयत काफी खराब होने लगी थी। इस वजह से धीरे धीरे उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया था।
अगर बात करें उनके पारिवारिक जीवन की तो उनकी पत्नी का नाम सुनंदा था जो कि उनके बचपन की दोस्त थी। साल 1973 में इन दोनों की शादी हुई। फिर इन दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम रीमा अमरापुर का रखा गया जो आज भी डायरेक्शन की फील्ड में एक्टिव है। अपने आखिरी वक्त में सदाशिव को फेफड़ों का कैंसर हो गया था जिसकी वजह से 3 नवंबर 2014 को 64 साल की उम्र में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। जैसा कि सदाशिव चाहते थे उनका अंतिम संस्कार उनके जन्मभूमि अहमदनगर में ही हुआ, लेकिन उन्हें गांव ले जाने से पहले उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के भाईदास हॉल में शांति प्रार्थना के लिए रखा गया था ताकि बॉलीवुड इंडस्ट्री के उनके दोस्त और उनके साथी कलाकार उनके अंतिम दर्शन के लिए आ सके। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि 5 घंटे तक उनके शरीर को वहीं पर रखा गया पर इंडस्ट्री से उनके अंतिम दर्शन के लिए कोई भी नहीं आया। बॉलीवुड के लगभग हर छोटे बड़े स्टार के साथ काम करने वाले सदाशिव के अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड से सिर्फ अभिनेता रजा मुराद और डायरेक्टर गोविंद निहलानी ही पहुंचे थे। सोचने वाली बात है कि जिस अभिनेता ने अपने जीवन के 30 साल इस इंडस्ट्री को दिए, जिसने अपने करियर में लगभग हर स्तर के अभिनेता के साथ काम किया, एक से बढ़कर एक शानदार रोल निभाए और साथ ही कई अवार्ड भी जीते, उसी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनके अंतिम दर्शन के लिए थोड़ा वक्त निकालना भी जरूरी नहीं समझा। खैर, सदाशिव आखिरी दिनों में अपने गांव में एक घर बनाकर अंतिम दिन वहीं गुजारना चाहते थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा सदाशिव अपने गांव में एक फिल्म म्यूजियम भी खोलना चाहते थे। म्यूजियम के लिए पैसा जुटाने के लिए अमरापुर करने का शो भी किए, लेकिन अफसोस कि उनका यह सपना भी अधूरा ही रह गया। तो दोस्तों, ये थी सदाशिव अमरापुरकर के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। आपको सदाशिव अमरापुरकर का अंदाज और उनका फिल्मी व्यक्तित्व कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।